रमंदी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी देश और प्रदेश की गौरव की बात होती है तब कांग्रेस को दिक्कत होती है। कांग्रेस को महान भारत बदनाम भारत लगता है। कांग्रेस ही कभी रोहिंग्यों के खिलाफ नहीं बोलते लेकिन देश को बदनाम जरूर करते हैं। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा में हंगामा करने को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ के श्योपुर में कुपोषण का मुद्दा उठाए जाने पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चीते हिंदुस्तान में आ रहे हैं गौरव की बात है। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के अंदर चीते आ रहे हैं। जब भी मध्य प्रदेश के गौरव की बात होगी या देश के गौरव की बात होगी, प्रदेश के सम्मान की बात होगी, वहां तो कांग्रेस को महान भारत बदनाम भारत में दिखाई पड़ने लगता है। कभी रोहिंग्या के ऊपर बात नहीं करते, रोहिंग्या पर खामोश रहते हैं और प्रदेश और देश के गौरव की बात आती है तो ऐतराज करते हैं। उन्होंने जैस को लेकर कमलनाथ के बयान पर कहा कि कमलनाथ के बयान के बाद यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का आधार जनजातीय वर्ग में नहीं रहा। अब वो तलाश रहे हैं कि कहां पर जाकर उनका आधार मजबूत हो जाए। कमलनाथ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लड़ाने की स्थिति में नहीं बचे हैं। मिश्रा ने कहा, पोषण आहार घोटाले में हमने एक महीने का समय मांगा है। देखिए, जब भी ये चीते जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ये गौरव की बात है कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के अंदर वो आ रहे हैं। और जब भी मध्य प्रदेश के गौरव की बात होगी या देश के गौरव की बात होगी, प्रदेश के सम्मान की बात होगी, तो इनको महान भारत बदनाम भारत नजर आता है। ये आप चीतों पर चीतकार कर रहे हैं, कभी रोहिंग्याओं पर चीतकार करते दिखे, रोहिंग्या पर खामोश रहते हैं और प्रदेश के और देश के गौरव की बात आती है तो ऐतराज करते हैं। चीते पे चिड़काई की है, समझ में नहीं आ रहा। देखो, कमलनाथ जी के बयान के बाद में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का आधार अब जनजाति वर्ग में नहीं रहा, इसलिए अब वो ये खो तलाश रहे हैं कि कहां पे जाके साख बच जाए कांग्रेस की। जहां तक सवाल सम्मानित बाकी के अन्य दलों का है, कमलनाथ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लड़ाने की स्थिति में नहीं बचे। हमने एक माह का समय मांगा है लेकिन हम एक सप्ताह के अंदर संभवतया उसको आगे बढ़ा देंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सिंधी समाज को नागरिकता देने पर कहा कि विदेशियों को जो नागरिकता देने की बात आई है, मैं जब से गृहमंत्री बना हूं तब से सैकड़ों को नागरिकता दी है। कांग्रेस के लोग सत्ता में थे तो उन्होंने क्यों नागरिकता नहीं दी थी। इस दौरान मिश्रा ने शंकराचार्य को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शंकराचार्य जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रद्धा सुमन अर्पित करने स्वयं वहां पर जा रहे हैं। हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराने के लिए शंकराचार्य जी ने लंबा कालखंड दिया है, उनके श्री चरणों को नमन। इसके बाद उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा को भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ओजस्वी वक्ता तेजस्वी व्यक्ति का यूं अचानक चले जाना पीड़ादायी है। जब भी इंदौर जाता था उनसे मुलाकात करता था, ऐसे में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के श्री चरणों को नमन करता हूं। ये विदेशी जो हमारे नागरिकता देने की बात आई थी, मैं गृह मंत्री बना हूं तब से सैकड़ों हमारे जो विस्थापित परिवार थे उनको नागरिकता देने का काम हमने किया। कभी कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये चरणों में शंकराचार्य जी के माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं जा रहे हैं वहां पर श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हिंदू धर्म की ध्वजा पताका को लेकर एक लंबा कालखंड सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर उन्होंने समाज को दिशा दी, धर्म को दिशा दी, आध्यात्म को दिशा दी। उनके चरणों में जितना नमन और ईश्वर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।